17 अगस्त से चल रही बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन रांची के हरमू मैदान में हुआ। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं जेपी नड्डा मौजूदा राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये आदिवासी विरोधी सरकार है। साथ ही कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के लोग लुटेरे को संरक्षण दे रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरुण साहू जी कृपया सबको एक बार बैठने को कहें। आज हम सब लोगों के बीच एक कार्यक्रम तो ये संकल्प यात्रा का समापन, जहां प्रदेश में जहां 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। और जैसे अभी आपको बता रहे थे, 6 विधानसभा क्षेत्र जो रांची शहरी और ग्रामीण जिला का कार्य क्षेत्र है, वो 6 जिला के यह कार्यक्रम का एक समारोह है। और समारोह में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित है और साथ साथ जो अमृत कलश लेकर के कल यहाँ से दिल्ली की ओर लोग प्रस्थान करेंगे और दिल्ली में 31 तारीख को वहाँ भव्य कार्यक्रम है, यानी अमृत वाटिका वहाँ बनेगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा देश से वहाँ लोग एकत्रित होंगे। तो झारखंड के भी गांव गांव से जो मिट्टी एकत्र करके प्रत्येक प्रखंडों से जो कलश लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रखंडों से आए हैं, वो भी आप कलश यहाँ से वहां तक देख रहे हैं, तो उसका भी आज एक प्रकार से प्रदेश की ओर से ये समारोह है। ये दो कार्यक्रमों का एक समारोह है कि संकल्प को पूरा करने का हम सब लोगों को आज फिर से ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने, कुल मिलाकर के हमने 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी। झारखंड की जनता इसको भी हम